हमें आज भी बाहर निकलते वक्त कपड़ों के बारे में सोचना होता है, हमारा टाइम पीरियड देखना होता है कि हम किस टाइम पे बाहर जा रहे हैं। लोगों का देखने का नजरिया भी नहीं बदला है। After 9 means no stepping out at night. हम इस चीज के लिए वॉइस रेज करते हैं कि आप अपनी सोच बदलो, अपना नजरिया बदलो। मेंटेलिटी चेंज होगी तभी ये चीजें खत्म होगी। साथ पेपर स्प्रे रखती हूँ और मैं स्विस नाइफ रखती हूँ और मैं अपने आसपास सराउंडिंग पे थोड़ा नज़र रखती हूँ। हम खुद हमारी सेफ्टी के बारे में सोचें। निकलने से पहले अगर मैंने कैब किया तो कैब का नंबर, ड्राइवर का नाम, ये सब पहले ही पेरेंट्स को फॉरवर्ड कर देते हैं। इतनी जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते सर। दैट इंसिडेंट्स के बाद देयर इज़ नो मच सिक्योरिटी अबाउट गर्ल्स राइट नाउ। कुछ लोगों की जैसे नैरो थिंकिंग है, उसी की वजह से है आई थिंक। जब हम हैरेसमेंट का विक्टिम होते हैं हम लोग, तो कोई ये देखकर नहीं करता है कि हम किस क्लास से बिलोंग करते हैं या हमारा स्टेटस क्या है। 16 दिसंबर के बाद से बहुत ज़्यादा डर जो बैठ गया है दिल में, घर से निकलते वक्त कपड़ों का तो बहुत ध्यान रखते हैं कि हाँ कपड़े ठीक होने चाहिए। नो, आई डोंट ट्रैवल लेट एट नाइट। आई जस्ट डोंट ट्रैवल, आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। इट्स अ बिग रिस्क फॉर मी। बी वेरी फ्रैंक, मुझे डर लगता है क्योंकि आजकल जो समाज है, आजकल जो चल रहा है हर जगह, बसेस में, गाड़ियों में, स्ट्रीट्स में, हर जगह जो चल रहा है, उससे हर लड़की को डर लगता है उन सब चीज़ों से। कपड़े वगैरह इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब तो कहने की बात है।